नमस्कार दोस्तों, बरवड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अदाबच, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल बरवड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं राजस्थान जी के संबंधित कुछ नए तथ्य लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए दोस्तों, घेवर माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है तो राजसमंद में। दोस्तों ध्यान में रखें, घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालौर। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन है दोस्तों और हड़बड़ाहट के समय गलत हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करें, मेरिट का शुद्ध आंकलन से पीछे रह जाते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी किस देवी को कहा जाता है? तो अर्बुदा देवी, अर्बुदा माता। राजस्थान की वैष्णो देवी किस देवी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अर्बुदा माता को कहा जाता है। अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में है। दोस्तों ध्यान में रखें, अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू सिरोही में है और इसे वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी पता है दोस्तों आपको, तनोट माता को कहते हैं। थार की वैष्णो देवी तनोट जो जैसलमेर में है, और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देश के जांबाज सिपाही सेवा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। और ये बहुत भव्य मंदिर है और सीमा पर स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत अच्छा मंदिर है। और माँ चामुंडा की शक्ति पीठ है यहाँ पर, तनोट राय तनु राजा द्वारा बसाया गया है यहाँ, और तनु राजा के ऊपर ही इस गांव का नाम तनोट बसा है। और यहाँ पर कई प्रकार के 450 जीवित बम्ब यहाँ सुरक्षित हैं देवी के प्रताप से, देवी की मेहरबानी से अभी तक वो बम्ब जीवित है, फटे नहीं है। जो पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराए गए थे दोस्तों, वो तनोट में स्थित है, इसलिए थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं पाबू जी की फड़ के बारे में दोस्तों, तो पाबू जी की फड़ है वो बाजने वाले भोपे किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पाबू जी की जो फड़ है, जो भोपे हैं, भील भोपे हमेशा बाचा करते हैं उनकी फड़ को, और वाद्य यंत्र है उसमें रावण हत्था काम लेते हैं दोस्तों, आप इनका ध्यान रखें। गोगा नवमी किस माह में मनाई जाती है? तो भाद्रपद में मनाई जाती दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाद्रपद में मनाई जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड तृतीय श्रेणी अध्यापक में पूछने वाला है, और ये सवाल हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ये सवाल बार बार परीक्षाओं में दोस्तों आए हुए हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों हड़ताली तीज के बारे में बात करूं, तो ध्यान में रखें, हड़ताली तीज का व्रत किस महीने मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है हड़ताली तीज। अच्छा प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है देखिए दोस्तों, किसी भी लोक देवता की गाथा एक वस्त्र पर चित्र लिपित अंकित की जाती है, उसको उकेरी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? फड़ कला कहते हैं। बाबू जी की फड़ है ना, देव नारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़, लोक देवताओं की जो जीवन गाथा है उस पर्दे पर उकेरी जाती है, उसे फड़ कहते हैं। देव नारायण जी की फड़ है, वो सबसे लंबी फड़ है, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की फड़ है, और सबसे प्रसिद्ध फड़ है, अच्छी फड़ है, वो लोक देवता पाबू जी की फड़ है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं तो देखिए, हड़ोले डूबियो गणगोर, यह कहावत राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो यह बूंदी जिले से संबंधित दोस्तों, ध्यान में रखें, हड़ोले डूबियो गणगोर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हड़ोले डूबियो गणगोर, यह कहावत राजस्थान के किस जिले से संबंध रखती है? तो यह बूंदी जिले से संबंध रखती दोस्तों, ध्यान में रखें। अगर राजस्थान की सफलता, राजस्थान यात्रा की सफलता एवं मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए क्या पूजा जाता है? पटवारी पूजते हैं दोस्तों, ध्यान में रखें। शुरू से ये परंपरा चली आ रही है, जब मौत मट्टंग होती है तो लोग हरिद्वार दर्शन करने जाते हैं तो पटवारी पूज कर जाते हैं, है ना। तो ये पहले सबसे लंबा सफर यही हुआ करता था इधर राजस्थान वासियों के लिए, तो पटवारी पूजा होती थी और आज भी पटवारी पूजा होती है, जब लंबी यात्रा तय करते हैं उसे पहले पटवारी पूज कर
लंबी यात्रा करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं, देखिए बड़ सायत अमावस की राजस्थान में किस महीने में पूजा होती है, बड़ सायत अमावस, तो ये ज्येष्ठ मास में पूजा होती है, बड़ सायत अमावस है दोस्तों, ध्यान में रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला घुड़ला पर्व किस महीने में पूजा जाता है, चैत्र मास में पूजा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला घुड़ला पर्व है वो चैत्र मास में मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें। आगे मैं गरीब नवाज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध दरगाह कहां स्थित है, तो आप सभी को पता है गरीब नवाज की दरगाह अजमेर जिले में स्थित है, अजमेर शहर में है। अगला प्रश्न, वेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध संत कौन हुए थे, तो मावजी हुए दोस्तों, ध्यान में रखना। अभी तक तो यही पढ़ा गया कि परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आया गया, वेणेश्वर धाम कहां स्थित है, वेणेश्वर धाम किस संगम पर है, वेणेश्वर धाम पर किस देवता का मंदिर है, परंतु यह प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, वेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाली महान संत का क्या नाम था, तो मावजी दोस्तों उत्तर सही होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं कुछ किसान आंदोलन के बारे में, तो किसान आंदोलन बिजोलिया की अवधि क्या रही, 1897 से 1941 तक यह समय अवधि रही, पता रहे, ध्यान रहे दोस्तों आपको, राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रहे। साधु सीताराम दास और भूप सिंह, विजय सिंह पथिक, कई ऐसे महान जो नेता हुए हैं इसमें भाग लिया था, ये आपको ध्यान रहे। बिजोलिया का संस्थापक किससे माना गया, अशोक परमार को माना गया, बिजोलिया जो आंदोलन है इसका जो संस्थापक किसको माना गया, बिजोलिया का संस्थापक किसको माना गया, तो परमार हुआ था अशोक, उसको माना गया है बिजोलिया का संस्थापक। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन संगठित किसान आंदोलन था, जो 1897 में शुरू हुआ था, 1941 तक चला था। बिजोलिया का संस्थापक है, स्थापना करने वाला अशोक परमार है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, हर बार ये सवाल रिपीट होते हैं, और राजस्थान का पहला ऐसा जो किसान आंदोलन है वो संगठित किसान आंदोलन था। भारत का सबसे लंबा, सबसे संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन से कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे, 84 प्रकार की लाग बाग थी, 84 प्रकार की लाग बाग की वजह से किसान आंदोलन शुरू हुआ था बिजोलिया में, यह आपको ध्यान रखना। उपरमाल बिजोलिया, 84 प्रकार की लाग बाग थी यहां पर, ठीक है ना, 84 प्रकार के लाग बाग मतलब कर थे, ये इतना आप ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों दूधवा खारा के बारे में, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत संबंधित है दोस्तों, तो दूधवा खारा आपके बीकानेर रियासत से संबंधित है, दूधवा खारा बीकानेर में ही जगह है और वहां आंदोलन हुआ था, तो दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत संबंधित है, यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो बीकानेर करना दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। आगे मैं बात करूं कर्क रेखा के बारे में दोस्तों, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, ध्यान रखें, ठीक है ना, तो राजस्थान में से ही ये गुजरती है। तो अगला प्रश्न दोस्तों यही है, कर्क रेखा कितने राज्यों में गुजरती है, 8 राज्यों में, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम। राजस्थान में बांसवाड़ा ऐसा जिला है उसको तो टच करती है, और डूंगरपुर जिले के अंदर से गुजरती है दोस्तों, ये ध्यान में रखें आप। आगे मैं बात करने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा गया, भरतपुर, ओल्ड हो चुका क्वेश्चन फिर भी आता है, महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, महुआ के पेड़ कहां पाए जाते हैं, उदयपुर और डूंगरपुर में, यह भी सवाल कई बार परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा, 1956 विक्रम संवत पड़ा दोस्तों, ध्यान में रहे यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार सवाल यह आता है, रिपीट होकर आता है, परंतु विद्यार्थी इस सवाल को गलत कर देते हैं, तो राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से बढ़ती दोस्तों, ध्यान में रखें।
राजस्थान में जो गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू की, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं एक योजना के बारे में बात करने जा रहा हूं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बहुत अच्छा सवाल, अगर इससे बनता है परीक्षा में आता है तो बहुत अच्छा सवाल है। योजना का प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को हुआ था। विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग, इस योजना के तहत मिड डे मील स्कीम के तहत राजस्थान के सभी राज्य के विद्यालयों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यह आप ध्यान में रखें ताकि सभी विद्यार्थियों का शारीरिक पोषण, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण किया जा सके। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क और तैयार से तैयार 150 मिलीलीटर दूध प्रदान किया जाएगा। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बहुत अच्छी योजना दोस्तों, इनको आप ध्यान में रखें। यह 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई और यही विभाग है इसका, स्कूल शिक्षा विभाग है, और 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मिल्क है, वो दूध है उपलब्ध कराने के लिए योजना चालू की गई है। आज इतना ही दोस्तों, अगली कक्षा में कुछ नए तथ्य लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।